अरे दोस्तों इसे देखिए, ये काला और सफेद झालरदार लेमुर है जो दुनिया का सबसे बड़ा परागणकारी है। ये प्राइमेट मेडागास्कर के जंगलों को परागित करते हैं। हालांकि ये लेमुर परागणकारी बड़े होते हैं, लेकिन पराग आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसे करीब से देख पाने के लिए हमें भी इसकी तरह एक सूक्ष्म आकार में सिकुड़कर छोटा होना होगा। पुष्पी पादप अथवा आवृत्ति बीजी की भव्य उपस्थिति के परिणाम स्वरूप हमारे आसपास की प्राकृतिक सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। पुष्प आवृत्ति बीजी के प्रजनन अंग होते हैं। आमतौर पर एक पुष्प में चार चक्र होते हैं जो इस प्रकार हैं: केलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। नर प्रजनन अंग को पुमंग के नाम से जाना जाता है तथा इसमें पुंकेसर होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक वृंद जैसा तंतु और एक पराग कोश होता है। एक व्यस्क पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का दृश्य चार पराग कोशों को दर्शाता है। इन कोश के भीतर कई पराग मात्र कोशिकाएं या लघु बीजाणुजन होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुजन एक अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है। इस प्रक्रिया में दो क्रमिक विभाजन होते हैं और चार आगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन चार कोशिकाओं को सामूहिक रूप से चतुष्क कहा जाता है। प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणु पराग कण में विकसित होता है। परिपक्व पराग कण की बाह भित्ति, जिसे बाहचोल के रूप में जाना जाता है, जो क्यूटिनमय होती है और जटिल अलंकरण प्रदान करती है। पराग कण की भीतरी भित्ति, जिसे अंतःचोल कहा जाता है, सेल्यूलोस और पेक्टिन की बनी होती है। पराग के अंदर एक जनन केंद्रक तथा एक कायिक केंद्रक समाहित होते हैं। जैसे जैसे पराग कोश परिपक्व होते हैं और निर्जलित होते हैं, पराग कण दबाव उत्पन्न करते हैं, जिससे पराग कोश का स्फुटन होता है और फिर पराग कण उससे बाहर निकलते हैं, जिनमें से कुछ पुष्प को परागित करने के लिए वर्तिकाग्र पर जमा हो जाते हैं। पराग के वर्तिकाग्र पर जमा होने के बाद वह एक पराग नली का निर्माण करता है, जो अंडाशय तक पहुँचने के लिए जायांग की वर्तिका के माध्यम से यात्रा करता है। यह निषेचन का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीज का निर्माण होता है। ये बीज पादप की प्रजातियों के अस्तित्व तथा उनके प्रसार में महत्वपूर्ण होते हैं। सारांश: पुष्पों में पुमंग होता है, जिसको एक पुंकेसर के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु और पराग कोश होता है। एक पराग कोश के अंदर पराग मात्र कोशिकाएं होती है। ये लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। ये क्यूटिन में बाहचोल के साथ पराग कणों में विकसित हो जाते हैं। ये पराग एक बार परिपक्व हो जाने के पश्चात दबाव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि पराग कोश पराग कणों को मुक्त कर देता है। ये पराग बीजांड के निषेचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं।